दोस्तों एक निजी वेबसाइट के सर्वे के अकॉर्डिंगली जो टॉप 10 लिस्ट है दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस का, उसमें थोड़ी से चेंजेस आ गए हैं। तो आज मैं दिल्ली के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट लेकर के मैं आया हूं। दोस्तों दिल्ली में घूमने के लिए जो भी प्लेसेस हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं, काफी कल्चरल प्लेसेस हैं, काफी म्यूजियम हैं, लेकिन दोस्तों जो टॉप कैटेगरी है उनको लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10। दोस्तों नंबर 10 पे है अग्रसेन की बावली, जिसको आपने कई मूवी जैसे सुल्तान मूवी, पीके मूवी में देखा होगा। आप यहां पहुंच सकते हैं बारखंबा मेट्रो स्टेशन से। ये कनॉट प्लेस के हैली रोड पे है और इसका ओपनिंग टाइम 7 AM और क्लोजिंग टाइम 6 PM है। नंबर 9 पे आता है दोस्तों हुमायूं टॉम्ब, जो कि निजामुद्दीन एरिया में है। इसका भी टाइमिंग है 6 AM to 6 PM। ये ऑल डेज ओपन रहता है। यहाँ की एंट्री फीस एडल्ट के लिए 30 रुपीज है। इसको बनाया था हुमायूं की वाइफ हामिदा बानो बेगम ने अपने मरहूम पति हुमायूं की याद में इसको बनवाया था। यहाँ मुगल परिवार के सभी लोगों की कब्रें हैं। नंबर 8। दोस्तों नंबर 8 पे आता है सुंदर नर्सरी, जो जस्ट हुमायूं टॉम्ब के नजदीक ही है। आपको सेम तरीके से आप यहां पे आ सकते हैं। यहां पर एंट्री टिकट है 50 रुपीज फॉर एडल्ट और 5 to 12 इयर्स के बच्चों के लिए 25 रुपीज है। दोस्तों इसकी टाइमिंग जो है वो समर में 7 AM से 10 PM तक है और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की इसकी टाइमिंग 7 AM to 6 PM रहता है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट नंबर 7। दोस्तों नंबर 7 पे है कुतुब मीनार, जिसकी टाइमिंग है 7 AM 5 PM। ये वीक की 7 डेज ओपन होता है। यहां आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से पहुंच सकते हैं। यहां पर एंट्री टिकट है 35 रुपीज, एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए फ्री है। यहां का मुख्य आकर्षण ये कुतुब टावर है। इसके अलावा ये आयरन पिलर है जिसमें कभी रस्ट नहीं लगता, और ये है अलाई मीनार जिसे अलाउद्दीन खिलजी बनाना चाहता था कुतुब मीनार से डबल हाइट, लेकिन वो बना नहीं पाया। नंबर 6 पे है दोस्तों जिसको सब लोग जानते हैं, ये है हमारा लाल किला, जहां पर से प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं। इसकी टाइमिंग है दोस्तों 9:30 AM से 4:30 PM। यहां विजिट करने का बेस्ट टाइम है आपका अक्टूबर से लेकर के फेब तक, क्योंकि बाहर इसके ग्राउंड इतनी बड़ी है कि आपको घूमने में गर्मी बहुत ज्यादा लगने वाली है। नजदीकी मेट्रो स्टेशन इसका है चांदनी चौक। यहां वीक डेज में एडल्ट के लिए 35 रुपीज है और अगर साउंड शो जो देखना चाहते हैं उसके लिए 60 रुपीज का है अलग से चार्ज। बच्चों की एंट्री फीस 20 रुपीज है। वहीं वीकेंड पे इसकी टिकट जो है 80 रुपीज हो जाती है फॉर एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 30 रुपीज। ये मंडे क्लोज होता है। नंबर 5 पे दोस्तों ये है लोटस टेंपल, जिसे बहाई हाउस ऑफ वर्शिप भी कहते हैं। इसकी टाइमिंग है मॉर्निंग 8 AM to 5 PM। यहाँ की एंट्री फी नहीं है, मंडे क्लोज रहता है और नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपका कालका जी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। देखने के लिए दोस्तों ये बहुत ही सुंदर सुंदर जो है नजारे हैं, तो आप जा सकते हैं यहाँ। दोस्तों नंबर 4 पे है वेस्ट टू वंडर पार्क, जिसको कि निजामुद्दीन एरिया में बनाया गया है। इसकी मॉर्निंग 11 AM to 11 PM टाइमिंग है। एंट्री फीस वीक डेज में 3 to 12 ईयर्स के बच्चों के लिए 25 और वीकेंड पे 50 रुपीज। एडल्ट के लिए एंट्री फीस 50 और वीकेंड पे 100 रुपीज है। दोस्तों जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हजरत निजामुद्दीन है, जहां से ये 2 किलोमीटर पड़ेगा। सराय काले खां बस डिपो है, जहां से ये 1 किलोमीटर पड़ेगा। दोस्तों यहां पर वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं उनको यहां वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। नंबर थ्री पे आता है दोस्तों भारत दर्शन पार्क, जो पंजाबी बाग दिल्ली में है। इसकी टाइमिंग है 10 AM to 10 PM।
यहाँ एडल्ट के लिए डे में एंट्री फी है 100, इवनिंग में 150, बच्चों के लिए डे टाइम 50 रुपीज और इवनिंग टाइम 75 है। यहाँ भारत के सभी टूरिस्ट प्लेसेस जो कि काफी पॉपुलर हैं, उनको यहाँ वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। दोस्तों यहाँ मॉर्निंग का नज़ारा भी बहुत सुंदर होता है और इवनिंग में जब लाइटें जल जाती है तो इसका नज़ारा सबसे सुंदर लगता है। नंबर टू पे है अक्षरधाम टेम्पल, जो अपनी कलाकृतियों के कारण काफी फेमस है। ये समर्पित है स्वामी नारायण, जो कि एक महान संत थे, उनके लिए ये बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सभी देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं का भी यहाँ पर प्रतिमा है। ये मंडे को क्लोज रहता है और बाकी 6 डेज इसकी टाइमिंग है 9:30 AM to 6:30 PM। यहाँ आप अक्षरधाम टेम्पल मेट्रो स्टेशन से पहुंच सकते हैं। यहाँ की एंट्री फ्री है, लेकिन यहाँ का सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसका म्यूजिकल फाउंटेन शो, जिसके लिए आपको 80 रुपीज एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए 50 रुपीज आपको पे करने होंगे। इसके अलावा यहाँ एग्जीबिशन भी होता है, जिसका चार्ज 170 रुपीज एडल्ट के लिए और 100 रुपीज बच्चों के लिए। नंबर वन पे आता है दोस्तों, जो दिल्ली वालों का सबसे फेवरेट प्लेस है, वो है इंडिया गेट। दोस्तों इसे 19 महीने के बाद दोबारा पब्लिक के लिए रीओपन किया गया है। ये सुभाष बाबू की यहाँ पर स्टैच्यू लगी हुई है। अभी मोदी जी ने इसका राजपथ, जिसको इंडिया गेट का जो कनेक्टिंग रोड है राजपथ, उसको कर्तव्य पथ नाम दिया है। तो दोस्तों दिल्ली वालों ने सबसे ज्यादा पसंदीदा प्लेस में इसी को रिकमेंड किया है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर और फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर दिल्ली के सभी टूरिस्ट प्लेसेस का वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल है, तो प्लीज आप उन सभी वीडियो को जाकर के डिटेल्स में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।